स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस, जो हमारे इंडिया में लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विनायक वधवा और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है एसोसिएशंस, जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं वो क्या होती हैं। देखो, कोई भी अगर इंडिया है, जैसे इंडिया में हमारी नेशनल एसोसिएशंस हैं लाइब्रेरी की, अब सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि हमारी ये जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं इनका एम क्या है, ये होती क्यों है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप लोगों ने ILA का नाम सुना होगा, ठीक है, ILA तो वो एक नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। अब इंटरनेशनल भी होती है, नेशनल्स भी होती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ आज जो डिस्कस करेंगे वो नेशनल लेवल जो हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ी इन लाइब्रेरी एसोसिएशंस की। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस होती हैं ये किसी भी कंट्री में या स्टेट में, ठीक है, वो क्या करती है, प्रमोट करती हैं लाइब्रेरी मूवमेंट को, और ताकि नॉलेज को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले क्या होता है, लाइब्रेरी मूवमेंट को स्प्रेड करती है या प्रमोट करती है। दूसरा, जो भी हमारे पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होते हैं कंट्री के अंदर इनेक्ट होते हैं उसके लिए काम करती हैं। देखो, अभी जैसे मैंने जो लास्ट वीडियो आपको बताई थी कौन कौन से स्टेट्स में हमारे लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इनेक्ट हुए हैं, तो उनको इनेक्ट करवाने के लिए जो प्रेशराइज करवाती है गवर्नमेंट को, हमें ये एक्ट चाहिए, या जो तैयार करके देती है, वो भी एक इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, पेपर में क्वेश्चन इसमें से भी आता है कई बार, ILA का क्या एम होता है या किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या क्या एम है, तो आप ये याद कर लो। पहला क्या था, प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट। दूसरा क्या है, इनेक्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तीसरा क्या है, वर्क टूवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब कंट्री की जो भी नेशनल लाइब्रेरी होती है उसके इवोल्यूशन के लिए भी काम करती है, ठीक है। और क्या होता है, जो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है इसके लिए भी काम करती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी सर्विसेज होती हैं किसी भी प्रोफेशनल्स की, मान लो लाइब्रेरी, अगर मैं लाइब्रेरी के बारे में बताऊँ, लाइब्रेरी अब डिजिटाइज होती हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। सारी लाइब्रेरी मैं नहीं बोलता इंडिया में डिजिटाइज हुई है, बट मोस्टली टूवर्ड इसके स्टेप फॉरवर्ड हो रही हैं। तो इसके लिए भी, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये जो हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये मैन पावर डेवलपमेंट में, मैन पावर डेवलपमेंट के लिए भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियंस की रिक्रूटमेंट हो, लाइब्रेरीज का पे स्केल अच्छा हो, जैसे लाइब्रेरीज असिस्टेंट लाइब्रेरियन को असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट रखा जाए, ये सारी बातें कौन रखते हैं, ये लाइब्रेरी जितने भी एसोसिएशंस होती हैं ये इनके एम होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं एक समराइज वे में बोलूँ, कि जो भी लाइब्रेरी एसोसिएशंस होती हैं वो लाइब्रेरी के भले के लिए कंट्री में या स्टेट में, देखो ये स्टेट लेवल भी एसोसिएशंस होती हैं, नेशनल लेवल भी होती है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल लेवल है, तो उस पर जो काम कर रही हैं नेशनल लेवल पे हमारी लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी, ये सारा काम क्या होता है, लाइब्रेरी एसोसिएशंस का। अब आई होप ये सबको समझ आ गया होगा एक बेसिक कि लाइब्रेरी एसोसिएशन आखिरकार करती क्या है। और देखो, इंडिया में बहुत ही बड़ा रोल रहा है ILA का, और वो आज हम पढ़ेंगे भी क्या क्या रोल रहा है ILA का।
तो सबसे पहले देखो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशंस का कौन सा रहा है। देखो ये मैं अभी प्री इंडिपेंडेंस का बता रहा हूँ आपको, जो हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस थी प्री इंडिपेंडेंस, मतलब इन ब्रिटिश रूल जो हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस थी। देखो जो सबसे पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन जिनका प्रूफ है हमारे पास, देखो हो सकता है इससे पहले भी हो, बट इनका हमारे पास प्रूफ है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन रही हैं। देखो सबसे पहले जो लाइब्रेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी बड़ौदा स्टेट में हुई थी, मैंने वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में। तो जो सबसे पहली लाइब्रेरी थी 1910 में बनी थी बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बनी थी, तो वो बनी थी 1910 में, ये याद कर लो ठीक है। उसके बाद आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका ही प्रूफ मिला है, ये बनी थी 1914 में। फिर बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये बनी थी 1927 में। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927 में, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बनी थी। इस एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल था पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस को शुरू करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो नोट्स में जो आप बना रहे हो, साथ में लिख लो कि जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था इसी का ही सबसे बड़ा रोल रहा है पीजी डिप्लोमा इन, क्योंकि सबसे पहला जो पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट हुआ था वो मद्रास में हुआ था, और वो किन के द्वारा किया गया था, वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा करा गया था ठीक है। और उसके बाद जो प्री इंडिपेंडेंस ही बनी थी हमारी, जो नेशनल लेवल एसोसिएशन थी वो थी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये आपको याद हो गया, आपको ये डेट्स याद होनी चाहिए इनकी, इसकी हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, आपको इसकी डेट्स याद होनी चाहिए कि बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन 1910 में बनी, आंध्र देसा लाइब्रेरी 1914, बंगाल और मद्रास 1927, और जो आईएलए थी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये बनी 1933 में, 1933 में। इसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आईएलए। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और अगर हम नेशनल एसोसिएशंस की बात करें तो अगर एसोसिएशंस में से क्वेश्चन आ रहा है, लाइब्रेरी एसोसिएशंस में से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन डाल रहा है, तो 99% चांस होता है आईएलए से ही क्वेश्चन आएगा ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से उतारना ठीक है। तो सबसे पहले जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये कब बनी थी, ये बनी थी 1933 में कोलकाता में। देखो अब ये याद कर लो, इसमें अभी जब बनी थी इसका जो कहाँ बनी थी, 1933 में बनी थी कलकत्ता में ठीक है, बट अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, यही भी याद कर लो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है कि आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में है, और 50% और हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन जो आता है आईएलए कब बना था, 1933 में। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या नेट के पेपर में क्या होता है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में, मैच द फॉलोइंग होते हैं ठीक है, यहाँ आईएलए लिखा होगा और यहाँ पर 1933, तो आपको उसको मैच करना होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1933 में आईएलए बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से दो लाइनों में। अब देखो, अब हमने देख लिया आईएलए का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आईएलए का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, आईएलए फुल फॉर्म इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पेपर क्वेश्चन जो ऑप्शंस होंगे उसमें क्या पूछा होगा, इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियाना लाइब्रेरी एसोसिएशन, या इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, या इंडिया लाइब्रेरी साइंस एसोसिएशन। तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म इसका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये भी याद करो, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये राजस्थान के जो पेपर आने वाला है आपका उसमें आएगा क्वेश्चन आईएलए से, लिख लो ठीक है। तो ये याद कर लो, अभी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हमारा कोई बुक ना खरीदे, कोई पेड कोचिंग के चक्करों में ना पड़े, किसी का 1 रुपया भी खर्च ना हो, सिर्फ आपके पास हमारी वीडियोस देखो, एमसीक्यूज देखो, स्टडी लेक्चर्स देखो हमारे, जैसे मैं ये आपको थ्योरी वीडियोस करवा रहा हूँ ये देखो, और हम लास्ट ईयर के पेपर्स करवा रहे हैं, अभी हमारी सीरीज
नेट के पेपर्स की चल रही है पिछले 15 सालों की। और जैसे ही कोई भी पेपर आता है, लाइक आगे फॉरवर्ड फ्यूचर में हमारा केवीएस का पेपर आने वाला है, तो हम केवीएस की भी पेपर सीरीज करवाएंगे आपको। ठीक है, अभी हमारा एम क्या है कि आप लोगों का यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका सारे कोई भी पेपर आता है, चाहे आप राजस्थान का पेपर दे रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी का पेपर दे रहे हो, चाहे आप हरियाणा में बीसी लाइब्रेरी साइंस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप मद्रास में दे रहे हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल में दे रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र में दे रहे हो, कहीं भी पेपर दे रहे हो, आपका सारा सिलेबस नेट से ही आता है। ठीक है, राजस्थान में सिलेबस कम है, केवीएस में कम है, एनवीएस में कम है, बट सारा सिलेबस किस में है? नेट में है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? नेट का सिलेबस, ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें उसका आंसर आता हो। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बुक आपने परचेज नहीं करी, हाँ आपको फ्री में मिल रही है आप पढ़ो, आपको इजीली ई पीडीएफ मिल रही है पढ़ो, आगे हम पीडीएफ भी डालेंगे, ठीक है आप पढ़ो, बट आपने जब तक आप नौकरी नहीं लगते हो 1 रुपया खर्च नहीं करना है। हमारी स्टडी पॉइंट क्लासेस का एक ही एम है, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है किसी भी मटेरियल के लिए, और खासकर लाइब्रेरी साइंस के मटेरियल के लिए। जितना मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको मैक्सिमम अपनी पूरा प्रोवाइड करूंगा, बट वो बिल्कुल फ्री करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपने कोई भी किसी भी चैनल के ऐसे में नहीं आना है। कई चैनल्स क्या करते हैं, एक वीडियो डाल देते हैं और बाकी वीडियो पेड हैं, आ हमारे यहाँ कोचिंग लगाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, देखो वो उनकी मर्जी है, बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम सारी वीडियोस देंगे। देखो टाइम लगता है वीडियोस बनाने में, इसलिए मैं एक दिन में एक या 2 दिन में एक ही डाल सकता हूँ, बट आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस, और मेरा वादा है आपको 20,000 MCQs आपको मैं करवा के जाऊंगा इस चैनल में 1 साल के अंदर। तो ये मेरे से, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी और चैनल के साथ मत जोड़ो, जिसके साथ जुड़ना है जुड़ो, बट हम आपको सारा 100% सिलेबस आपको करवाएंगे। 100% सिलेबस का मतलब 100% सिलेबस, ये कमिटमेंट है हमारी। और थ्योरी के साथ आपकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अब इसके बाद अब क्या है, हमने देख लिया ये 1933 में बना था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद जो सबसे पहले जब ये बना था एसोसिएशन, इसका हमारे पास प्रूफ कहाँ से है? हमका हमारे पास प्रूफ ये है, जो सबसे पहले ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, जो उसकी होल्डिंग थी उसके ऊपर इसका सबसे पहले नाम लिखा गया था, ILA। वहाँ पे ILA ने अपने आप को सबसे पहले दुनिया के आगे लाया था। देखो ILA बन गई है, और ये कब बना था? ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में सबसे पहले। तो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में कौन सी एसोसिएशन ने जन्म लिया था, तो वो आपको याद होना चाहिए, ILA ने। ठीक है, अब 1933 से लेके 1947 तक, ठीक है, 7 ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी डिफरेंट पार्ट्स में। देखो जो ILA होता है वो रेगुलर बेसिस पे हर ईयर लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करता है, बट ये आपको याद होना चाहिए, ILA ने 1933 जब बना था और 1947 तक, देखो पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, आपने देख लिया सितंबर 1993 में। तो पेपर में क्वेश्चन ही आता है, ILA ने पहली अपनी कॉन्फ्रेंस कब करी थी? तो वो करी थी ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में। अब 1933 से 1947 के बीच में 7 कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं ILA के? देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, जो मेंबर्स होते हैं वो पैटर्न्स हो सकते हैं, लाइफ टाइम या ऑर्डिनरी मेंबर्स भी होते हैं, कोई भी मेंबर बन सकता है, एक नॉर्मल बंदा भी ILA का मेंबर बन सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, फीस पे करो, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ो और उसके मेंबर बन जाओ। ठीक है, लाइफ टाइम भी बन सकते हो, ऑर्डिनरी मेंबर भी बन सकते हो, एक कोई भी इंस्टीट्यूट है, लाइक किसी कॉलेज की लाइब्रेरी है या कोई भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वो भी मेंबर बन सकता है, एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं इसके। ठीक है, तो ये मेंबर्स इसके बन सकते हैं। इसके बाद जो इसका इसका थोड़ा मैं अब आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ ILA की।
जो एसोसिएशन थी ये आईएलए, इसकी जो एक अपना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक बायलॉज लिखे हुए हैं कि हमारा वर्क ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा, जो हमारी एसोसिएशन है इसका वर्क ऑफ प्रोसीजर्स क्या रहेगा, उसको बोलते हैं आईएलए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका एक ड्यूली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके। अब आईएलए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ मेंबर्स भी होते हैं, उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट होते हैं वो, हम अभी मैं इस वीडियो में वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब जो एसोसिएशन है उसका एक अपना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, बायलॉज हैं उसके, एक कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो आईएलए का, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने इतनी बड़ी ये थ्योरी ली है, इसको पॉइंट्स में नहीं लिया है। सबसे पहले याद कर लो जो आईएलए का सबसे पहले ऑफिस था वो इंपीरियल लाइब्रेरी में था कोलकाता में। ठीक है, 12 साल तक रहा है, 1933 में। पेपर में क्वेश्चन आता है आईएलए का 1933 में सबसे पहले जब बनी थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पेपर में आपको आंसर लगाना है इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकटा। इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकटा में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी कैसे बनी, क्या रहा, क्या इसकी हिस्ट्री थी। ठीक है, तो 12 साल तक ये इंपीरियल लाइब्रेरी में रहा, उसके बाद ये फिर से शिफ्ट हो गया। ठीक है, 1946 में दोबारा से ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, दिल्ली में शिफ्ट हुआ। उसके बाद इसकी जो कहाँ पे इसका ऑफिस रहा, वो रहा इसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 1953 तक, 1946 से लेके 1953 तक इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफिस रहा। उसके बाद ये दोबारा से कलकत्ता शिफ्ट हो गया। इन जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई 24 मई 1970 में, इसके हेडक्वार्टर को दिल्ली में परमानेंट हेडक्वार्टर इसका बना दिया गया। तो अब जो इसका ऑफिस है वो कहाँ है, दिल्ली में है, और इसका एड्रेस क्या है, मुखर्जी नगर में है। ये प्रॉपर एड्रेस मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें, बट मैं आपको बता दूँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में इसका अब हेडक्वार्टर है, एक फ्लैट में। ठीक है, और परमानेंट जो इसकी प्रेजेंट बिल्डिंग है वो 1982 से लेके प्रेजेंट बिल्डिंग इसकी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर की हिस्ट्री। तो अब ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से ये भी आता है कि जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो कब हुई थी, 24 मई 1970 में, ये डेट भी याद कर लो, 24 मई 2004 1970, मई 4। ठीक है, उसने इसका हेडक्वार्टर फाइनली कहाँ, कौन सा बना, कहाँ बनाया, दिल्ली में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आईएलए से। ठीक है, और वैसे तो यही क्वेश्चन आता है 90% की, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है, वो आपने याद कर लिया है, दिल्ली में है, और 1933 में ये बना था, और स्टार्टिंग में इसकी जो ऑफिस था या हेडक्वार्टर था वो था हमारा इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, 12 साल तक रहा था। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो आईएलए है ये एक आईएलए बुलेटिन पब्लिश करता है, ठीक है, क्वार्टरली, ये याद कर लो। पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि आईएलए क्वार्टरली क्या पब्लिश करता है, तो आपको आईएलए बुलेटिन पब्लिश करता है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब होता है 3 मंथ में एक बार, 3 मंथ में एक बार एक आईएलए बुलेटिन इशू करता है, पब्लिश करता है। ठीक है, और ये जो इसका आईएलए बुलेटिन है ये इसका ऑफिशियल ऑर्गन है। ठीक है, और इस बुलेटिन में काफी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। ठीक है, और उनको उनमें से जो बेस्ट आर्टिकल लिखता है आईएलए बुलेटिन में, जो काफी लाइब्रेरियंस लिखते हैं, या इनोवेटिव रिसर्च, जो भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो भी अच्छा आर्टिकल होता है, उसको पीवी वर्गीज प्राइज दिया जाता है आईएलए द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है पीवी वर्गीज प्राइज कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए आईएलए देता है, और वो किस लिए देता है, बेस्ट आर्टिकल कॉन्ट्रीब्यूटेड
टू आईएलए बुलेटिन। आईएलए बुलेटिन में बेस्ट आर्टिकल के लिए पीवी वर्गीज प्राइज दिया जाता है आईएलए द्वारा, और क्वार्टरली जर्नल ये पब्लिश करता है आईएलए। अच्छा, और इसका आईएलए का एक न्यूज़लेटर भी पब्लिश होता है, वो हर मंथ होता है, वो एवरी मंथ होता है। तो ये भी आपको, ताकि हमें पता लग सके जो भी करंट इंटरेस्ट है, ठीक है, इसलिए इसका न्यूज़लेटर इशू होता है। समझ आ गया? तो आईएलए का न्यूज़लेटर तो मंथली होता है, और इसका जो आईएलए बुलेटिन होता है ये क्वार्टरली होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, चार मेनली क्वेश्चन ही बनते हैं आईएलए से। पहला क्वेश्चन बनता है, कब बना था? 1933 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ये आईएलए बुलेटिन क्वार्टरली पब्लिश होता है? हाँ क्वार्टरली होता है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ऑप्शन में होता है, तो आपने आंसर लगाना है क्वार्टरली। और जो आईएलए न्यूज़लेटर है ये कहाँ होता है? ये मंथली होता है, ठीक है। ये चार ही क्वेश्चन बनते हैं, 90% चांस होता है यही चार में से क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जामिनर ने फंसाना है तो मैंने जो दूसरी स्लाइड्स में चीजें बताई हैं उसमें से पूछेगा, ठीक है। अब आईएलए ने क्या करा है? आईएलए ने एक डाटाबेस नालंदा बनाया है जिसने 10,000 लाइब्रेरीज, ठीक है, जिसमें 5,336 एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं, 1,470 पब्लिक लाइब्रेरीज है, और 3,280 स्पेशल लाइब्रेरी है। इन लाइब्रेरीज का डाटाबेस तैयार करा है, और किन्होंने करा है? 1995 में आईएलए ने करा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब जो आईएलए है वो इफला का भी मेंबर है, ठीक है। इफला क्या है? और कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। जैसे आईएलए हमारा नेशनल लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ऐसे ही इफला और कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन ये हमारे इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं, ठीक है। ऐसे ही आईएलए, इफला जो ये मेन जो हमारी, जैसे आईएलए इंडिया में हमारी मेन है, तो इंटरनेशनली इफला है ये हम हमारी इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और ये हम जो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो हमारी इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसमें से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, मोस्टली नेट के एग्जाम में। तो इंटरनेशनल में से 90% चांस होता है पेपर आने का, ठीक है। तो आईएलए इन दोनों का भी मेंबर है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, इफला का क्या आईएलए मेंबर है? यस नो में, ठीक है, तो आपने लिखना है हाँ है, इफला का भी है और कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी है, ठीक है। इसके बाद आईएलए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर अगर बहुत मुश्किल आ रहा है तो इन अवार्ड्स में से पूछ लेगा। सबसे पहले तो ये याद कर लो, आईएलए कौन सा अवार्ड देता है? पीवी वर्गीज अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया जो बेस्ट ऑथर को मिलता है बेस्ट पेपर पब्लिश के लिए, जो जर्नल होता है आईएलए बुलेटिन का, ठीक है। अच्छा, आईएलए एक देता है एजी मोती वाले अवार्ड, ये यंग ऑथर को दिया जाता है बेस्ट पेपर रिटर्न के लिए। एक देता है सीडी शर्मा अवार्ड, ये दिया जाता है ऑथर टू बेस्ट पेपर रिटर्न एंड प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के अंदर जब प्रेजेंट करता है पेपर, उसको सीडी शर्मा अवार्ड दिया जाता है। ये तो सारे लगभग इनके पेपर प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस के लिए है। एक दिया जाता है बेस्ट अब लाइब्रेरियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करो, आईएलए कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड दिया जाता है, ये हर साल दिया जाता है, ठीक है। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला जाता है, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन को भी मिला जाता है, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को भी मिलता है, ठीक है, फेलोशिप भी देता है, SM गांगुली अवार्ड भी देता है। तो आईएलए काफ़ी सारे अवार्ड देता है। बाकी आप मेनली याद कर लो, एक तो ये बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, ठीक है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये आखिरी के जो तीन है, सीडी शर्मा अवार्ड, एजी मोतीवाल अवार्ड और पीवी वर्गीज अवार्ड। इसमें से क्वेश्चन आता है, याद कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है वैसे, पीवी वर्गीज अवार्ड इसी में से आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एसोसिएशन है हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज या स्पेशल इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है, और उनके एसोसिएशन का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, IASLIC, ये याद कर लो।
ठीक है, IASLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। पेपर में बहुत बार फुल फॉर्म आती है, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फ्री के नंबर है फुल फॉर्म, उसमें क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अब जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, ये कब बना था? ये बना था 1955 में। वो बना था 1933 में ILA, ठीक है, और ये बना है 1955 में। सेम सेम है ना, तीन तीन पांच पांच, याद हो जाएगा। पेपर में वैसे यही क्वेश्चन आता है, कब बना था? 1955, याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका कलकत्ता है, और आज भी कलकत्ता ही है, ये याद कर लो, ठीक है। कब बना था ये? 25 जून 1955 में। कौन सी, किसकी चेयरमैनशिप में? SL होरा। इनका आइडिया था स्टार्ट करने का ऑल इंडिया एसोसिएशन टुवर्ड प्रोग्रेस ऑफ, क्या प्रोग्रेस चल रही है हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर्स की, ये इस लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने का मोटो था। तो याद कर लो पेपर में, एक सबसे पहले ये कब बना था? 1955 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और जब ये बना था तो किन्होंने स्टार्ट करा था, कौन चेयरमैन थे इनके? वो थे डॉक्टर SL होरा। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में हर बार रिपीट होते हैं, ये याद कर लेना। अब ये क्या पब्लिश करता है, पब्लिकेशंस क्या क्या है? IASLIC, और जो ये एक तो करता है बुलेटिन, इसका पब्लिश होता है वो क्वार्टरली होता है, ILA बुलेटिन की तरह। IASLIC बुलेटिन तो क्वार्टरली होता है, ठीक है, ये 1955 से होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इसका न्यूज़लेटर है, इसका ही मंथली है। और क्या पब्लिश करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, नेट में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स एनुअली पब्लिश होता है। ये कहाँ से पब्लिश होता है? ये IASLIC पब्लिश करता है, आई इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। पेपर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होके ILA आंसर लगा देते हैं, बट नहीं, ये ILA में नहीं करता है, IASLIC इसको पब्लिश करता है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब ये भी बेस्ट लाइब्रेरियन का अवार्ड देता है, और ये बेस्ट आर्टिकल इन ISL बुलेटिन अवार्ड भी हर साल देता है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ILA वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये याद होने चाहिए आपको चार चीज़ें, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, डॉक्टर SL होरा, 25 जून 1955, और इसकी फुल फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर, यहीं से क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसके बाद की हमारी क्या है, एक और एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है ये भी नेशनल लेवल की, ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, मतलब देखो नाम से ही पता लग रहा है, टीचर्स की एसोसिएशन है, लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर्स की ही एसोसिएशन है। तो मेनली क्या है, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एक नेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये प्रोफेशनल्स द्वारा स्टार्ट करी गई ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रोफेशनल्स के लिए स्टार्ट करी गई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 19 दिसंबर 1969, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है 19 दिसंबर 1969 में कौन सी एसोसिएशन बनी थी, तो आपको याद होना चाहिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। देखो जो ये है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोवाइड करती है टीचर्स ऑफ LIS, जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के टीचर्स हैं, या स्टाफ ऑफ लाइब्रेरीज हैं, या रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनको लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं। और ये क्या पब्लिश कर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, ये जर्नल क्वार्टरली जर्नल करता है ये भी पब्लिश, जिसका नाम क्या है? IJLER, मतलब IATLIC, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च, ये याद कर लो, IJLER कौन पब्लिश करता है? IATLIC, ठीक है, और ये क्वार्टरली पब्लिश होता है। तो IATLIC एक तो देता है मोतीवाल बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, एक देता है
प्रोफेसर एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड फॉर रिसर्चर के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है प्रोफेसर जागिंदर सिंह रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक अवार्ड दिया जाता है वुमेन LIS टीचर्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ये याद कर लो, जो वुमेन बेस्ट वुमेन LIS टीचर या प्रोफेशनल को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, मिसेज रत्ना लक्ष्मण राव और कौन देता है IATLIC, और एक दिया जाता है मोती वाले बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, ये रिपीट हो गया है ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे, ये दिए जाते हैं। अवार्ड्स ईयर कब बने थे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, हमने आज डिस्कस करे नेशनल लेवल लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी को कोई भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।